आज जो मैंने विषय लिया है वो है वस्तु स्वातंत्र्य। जैन दर्शन का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है जिसका नाम है वस्तु स्वातंत्र्य, यानी कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको हम तीन लेवल में आज करीब पौने घंटे में समझेंगे, पौने दस तक का टाइम है मेरे पास, राइट? तो हम तीन लेवल पे समझेंगे। आप में से कई लोग ये हो सकता है कि बोले कि हमने ये बात बहुत बार सुन रखी है जो आप सुना रहे हो, कुछ नया बताओ, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं हम तो। लेकिन जो बात मैं यहाँ बताने वाली हूँ, हो सकता है कि आपने 50 बार सुन रखी हो और मैंने 150 बार उसका अध्ययन कर रखा हो, पर आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आज भी यदि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है, आज भी यदि हम अपने दिमाग को संतुलित करना चाहते हैं, तो ये वो वाली सीक्रेट कोड है जो कि हमें हर स्टेप पर जीवन के काम आएंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, या तो वो अच्छा हो रहा है या वो बुरा हो रहा है, और जो अच्छा होता है वो मुझे अनुकूल लगता है तो मैं राग करता हूं, जो बुरा हो रहा है वो मुझे प्रतिकूल लगता है तो मैं द्वेष करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि मैं राग और द्वेष किससे करता हूं, कि जिसने मेरा भला किया उससे राग करता हूं और जिसने मेरा बुरा किया उससे मैं द्वेष करता हूं। बहुत टेक्निकल वर्ड्स हो गए, सिंप्लीफाई कर दो इसको। अब आप सिंप्लीफाई करें तो एक बार विचार करना कि यदि आप अपनी नई BMW लेके निकले घर से, शोरूम से बाहर आई और घर से लेके निकले, और बाजू से एक कोई बाइक वाला जबरदस्ती निकालने के चक्कर में आपकी खड़ी हुई गाड़ी पे चर्र करके स्क्रैच मार गया, तो हमें किस बात पे द्वेष आता है? उस बाइक वाले पे द्वेष आता है? क्या वो बाइक वाला मेरा कुछ बुरा कर सकता था कि नहीं, वास्तव में तो तेरे पाप का उदय था? यानी कि यदि BMW खरीदी इस लायक तुम बने तो तुम्हारा पुण्य का उदय था, और यदि उसमें चिरा लग गया तो तुम्हारा पाप का उदय था। ऐसे व्यक्ति के साथ जो कुछ घटित होता है वो कोई दूसरा नहीं करता है, वो हमारे स्वयं के ही पुण्य या पाप का उदय होता है। सुन रखिए, हमने तो ये बात बहुत सुन रखी है, नहीं नहीं नहीं, अभी घटाएंगे, एक एक चीज पे घटाएंगे। क्या आपके पति कैसे हैं? हाँ हाँ, पर्सनली है हर एक से ये प्रश्न। और पतियों से बात करूं तो आपकी पत्नी के संबंध में है। चलो ये बता दो कि शादी हुई ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि कैसा व्यक्ति मिला, इस पे डिपेंड करता है। हम अपने हर सुख दुख का आधार पर को स्थापित कर देते हैं। अरे शादी हुई ये तेरे पुण्य के उदय से हुई होगी, अच्छा पति या पत्नी मिला तो पुण्य के उदय से मिला होगा। क्या अब ऐसा हो सकता है कि वही पति पत्नी बुरा हो जाए? बिल्कुल, अगर तेरे पाप का उदय है तो वही व्यक्ति बुरा हो जाएगा, और यदि तेरे पुण्य का उदय है तो ऐसे आदमी से शादी होगी जिससे कोई नहीं करना चाहता हो, और वही बाद में जाके सर्वोत्तम पति बन जाएगा। यानी कि हम जिन लोगों से द्वेष करते हैं, जिन लोगों से राग करते हैं, एक्चुअली में राग और द्वेष के पात्र वो लोग या वो वस्तु नहीं है। राग और द्वेष का पात्र होना चाहिए था मैं स्वयं, क्योंकि वो अच्छा या बुरा जो कर्म किया था वो किसने किया था जिसने आज ये उदय दिया है? लेकिन हम ऐसा विचार कभी भी नहीं करते हैं। मैं जॉब किया करती थी तो एक कंपनी में मेरा बॉस बहुत ही खराब था, तो और कंपनियों में फर्क किससे पड़ता है, कंपनी से नहीं, बॉस से फर्क पड़ता है।
तो मैंने अपने पति से बोला कि ये कंपनी तो मैं छोड़ूंगी, दूसरी जगह नौकरी करेंगे अपन। अब भाग्य से ये जो मेरा प्रवचन है वो मेरे पति ने भी पहले सुन रखा था, तो मुझसे ही सुनी हुई बात उनने मुझे बताई और बोला कि अगर तेरे पाप का उदय है और यहां तेरा बॉस खराब है तो इस बात की क्या गारंटी है कि नई कंपनी में जाएगी और वहां तुझे बॉस अच्छा मिल जाएगा। दुर्भाग्य तेरा पीछा थोड़ी छोड़ेगा, यहां जितना खराब है हो सकता है और पाप का उदय आया हो, तू इसलिए कंपनी चेंज कर रही है और नई कंपनी में और बुरा बॉस मिलेगा। और यदि तेरा पुण्य का उदय होगा तो क्या पता इसी कंपनी में तेरा बॉस चेंज हो जाएगा। क्यों, बॉसेस भी तो चेंज होते हैं। बॉसेस के साथ ये ऑप्शन है, पति पत्नी के साथ ये ऑप्शन नहीं है। यानी कि हम जो परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, हम जिन लोगों को बदलना चाहते हैं, वास्तव में हमारी दृष्टि इस बात पे नहीं जाती कि वो लोग या वो परिस्थिति बुरे नहीं है, वो लोग या परिस्थिति इसलिए बुरे हैं क्योंकि मैंने ऐसे कर्म बांधे थे। ये दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं, हर व्यक्ति को देख लेना, हर जगह देख लेना, हर रूप में देख लेना, हर पर्याय में देख लेना, वो उसे ही भोगता है जैसा उसका उदय आता है। मतलब यदि बारिश होगी तो वो तो अच्छा ही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है तो किसको बारिश बुरी हो सकती है। कि नहीं, वो ही परिस्थिति, वो ही बारिश तेरे पुण्य का उदय होगा तो तुझे अच्छी लगेगी और तेरे पाप का उदय होगा तो तुझे निमोनिया हो जाएगा, तेरा बिजनेस ठप्प पड़ जाएगा। यानी कि वस्तुएं बुरी नहीं होती, मेरे कर्म का कैसा उदय है वो इस बात को डिटरमाइन करता है कि वो वस्तु मुझे अच्छी लगेगी या मुझे बुरी लगेगी। इसको हर चीज में घटाना, हर चीज में घटाना। मेरे पास हर एक के जीवन के उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको घर जाकर ये कार्य करना है कि पुस्तक लेके सोचना कि ऐसी कौन सी टॉप 10 थिंग्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और ऐसी कौन सी टॉप 10 थिंग्स हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, और फिर विचार करना कि उसमें कौन था निमित्त। एक थोड़ा सा और ऐसा एग्जाम्पल दूं जहां हमारी मेहनत से कार्य होता हो। मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, परीक्षा में बैठी और टॉप के मार्क्स आए, पुण्य के उदय से आए कि पढ़ने से आए? के पढ़ाई करी थी वो निमित्त बना होगा, लेकिन जो तुम टॉप आ पाए हो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पुण्य ही कारण है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं बहुत पढ़ाई करके जाती और मैं परीक्षा देने जा रही होती और ठोकर लगती और गिर जाती और मेरा हाथ टूट जाता और मैं परीक्षा नहीं दे पाती। पाप का उदय चाहे तो पढ़ने वाले इंसान को फेल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मैं बैठती और मेरे आंखों के आगे अंधकार छा जाता, मुझे दिमाग में याद ही नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत मेहनत करा और बिजनेस लेके आया, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट किसी ने कान भर दिया और वो क्लाइंट हमारे से दूर चला जाए। यानी कि जो वस्तुएं मुझे बहुत मेहनत करने के बाद मिलती हैं और मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत के कारण ही हुआ है, उसमें भी हमारा पुण्य का फल निहित होता ही होता है। पुण्य के फल के बिना मेहनत करने वाले को भी कुछ नहीं मिलता। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो जिंदगी में जब कुछ नहीं था उनके पास, 50 रुपए 100 रुपए लेके गांव से आए थे, ऐसे भी बिजनेसमैन करोड़ों रुपए कमा लिए उनने आके, बहुत मेहनत करी, दिन देखा ना रात देखा, अब तो उनके पास एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसे हैं, सब कुछ है दुनिया का, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि 50 साल वाले एक्सपीरियंस वाले आदमी को पता चलता है कि एक डील करी और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कैसे हुआ? जब उसे कुछ नहीं आता था तब तो वो चढ़ता गया और जब उसे सब कुछ आता है तो काम पे कोई काम नहीं आया। इससे ये हमें पता चलता है कि सबसे बलवती मेरा पुण्य का या पाप का उदय
है, जो मेहनत मैं करता हूं वो मेहनत मैं अपनी विकल्प की पूर्ति के लिए करता हूं। अब एक लेवल पर तो बात ये समझ में आई कि आगे से जब भी मुझे दुनिया में किसी पे क्रोध आए, सास अच्छी नहीं लगे ना तो उसको दोष मत देना। किसको दोष देना? अपने पाप के उदय को दोष देना। तो एक लेवल पर तो मैंने ये बात समझी कि जो कुछ मैं भोग रहा हूं ये सब मैंने कमाया है, आई डिजर्व इट। ये पंक्ति लिखनी हो तो लिख लेना कि मेरे साथ जो होता है वो आई डिजर्व इट। कई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, कई बार फ्री लंच भी मिलते तो हैं लोगों को, नहीं मिलते? क्यों आज मैं यहां आई हूं, मुझे फ्री में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि अरे आप गलत फहमी में हो, आपके एक घंटे की कीमत है वो खाना। अच्छा मेरा बच्चा मेरे साथ आया होता, मेरा 5 साल का बच्चा मेरे साथ आया होता तो उसे खाना नहीं खिलाया जाता फ्री में? तो फ्री में जो चीजें मिलती हैं वो तो मतलब फायदे वाली डील हो गई ना एक तरीके से, उसको तो चला लो इस चीज में, वो तो मुफ्त का पुण्य है ना। आपको पता है कि जब भी कोई चीज फ्री मिलती है ना, फ्री गिफ्ट मिलती है, प्राइज मिलता है, कुछ भी फ्री मिलता है, उसमें हमारा डबल पुण्य खर्च होता है। क्यों? ऐसा कैसे हुआ कि अरे तुम जब सामान्य कोई मेहनत करके कार्य करते हो और तुम्हें मिल जाता है तो एक्स पुण्य लगता है, अब वो चीज अगर तुम्हें बिना मेहनत किए मिलनी है तो एक्स प्लस वो पुण्य चाहिए ना जिससे फ्री में भी मिलेगी। यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु हमें फ्री में नहीं मिलती है, हर वस्तु के पीछे पुण्य या पाप का उदय तो होता ही है। तो क्या करें, आपने अच्छी बात समझाई, अब तो हम पुण्य करेंगे भाई। यही सीखा हमने तो पिछले 10 मिनट में कि पुण्य करना चाहिए। तो एक और बात बताऊं यहां पे आपको कि ऐसा कभी हो सकता है किसी संसारी जीव के साथ, किसी भी संसारी जीव के साथ की बात कर रही हूं मैं, बड़े से बड़ा पुण्यशाली संसारी जीव हो उसके बारे में बात कर रही हूं मैं, ऐसा किसी भी संसारी जीव के साथ हो सकता है कि उसके मात्र पुण्य ही पुण्य का उदय आए हमेशा? हो सकता है? हो सकता है? देखो ऐसा सौदा होता तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए था, सही बता रही हूं। क्यों? कि बस स्वर्ग जाएं, यहां चक्रवर्ती बन जाएं, फिर स्वर्ग चले जाएं, फिर चक्रवर्ती बन जाएं, बस लाइफ सेट है हमारी, तो यही चाहिए था हमको। जिसको जो बोले वो करे, जो कहे वो हो जाए, इससे ज्यादा अधिक और हमें क्या चाहिए है? तो एक बात हमने ये नहीं देखी कि संसार में बड़े से बड़े पुण्यात्मा जीव हो, चाहे वो अर्धचक्री हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, जिसको सब कुछ मिला है, वो भी कितने काल तक संसार में सिर्फ पुण्य के उदय को टिका पाता है? सोचा कभी इस बारे में? यदि मैं ये डिसाइड करूं कि मैं तो पुण्य करूं, क्यों? क्योंकि जो होता है पुण्य से होता है, मेहनत तो कर लेंगे, पुण्य मेन है, मंदिर में ज्यादा रहना चाहिए, राइट, तीर्थ यात्रा ज्यादा करनी चाहिए। यदि कोई ये विचार करता है तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं कि किसी के भी जीवन में, और जब मैं किसी की भी बात कर रही हूं तो चाहे वो कोई भी संसार का जीव हो उसके बारे में ये चर्चा चल रही है, पुण्य का उदय और पाप का उदय, कभी पुण्य ज्यादा पाप कम, कभी पाप ज्यादा पुण्य कम, लेकिन दोनों का उदय लगातार चलता ही रहता है। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा सिर्फ पुण्य का उदय चले या मेरा सिर्फ पाप का उदय चले। हम कोशिश क्या करते हैं पूरे टाइम, हम कोशिश करते हैं कि पुण्य का उदय चलता रहे, वेरी गुड। हम कोशिश करते रहते हैं कि हर चीज सही होती रहे, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत नहीं हो, लेकिन भले मानस ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहे, तू खरीदता ही खरीदता रहे और शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहे, ऐसा तो कभी हो गया ही नहीं ना तीन लोग तीन काल में। तो सबसे पहले मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरे पुण्य का उदय और पाप का उदय आता ही रहेगा। ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उसको किस दृष्टि से देखता हूं।
आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, असली कहानी। मेरी शादी हुई थी उसके एक दो साल बाद हम मनाली घूमने गए, शिमला मनाली का टूर होता है ना, दिल्ली से जाते हैं, तो हम वहाँ गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, हमने एक गाड़ी किराए पे वो टूर पैकेज वाले ने करके दी थी दिल्ली से, और उस गाड़ी में हम पूरा ट्रैवल करने वाले थे 7-8 दिन का। अब पुण्य के उदय से ही हुआ था ना ये, तो ट्रिप मिली थी मुझे, इतना अच्छा पति मिला, इतनी अच्छी ट्रिप मिली घूमने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जो हमारा ड्राइवर था वो था पक्का जाट, और पता है कौन सा वाला जाट, कि हम उससे बोले कि चल हमको मनाली में वहां ले चल, वो बोले अजी साहब आपको पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा इंडिया फेमस ड्राइवर नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं है ये बात, मैं बताता हूं आप तो ये मंदिर चलो, XYZ मंदिर समझ जाना, आप तो ये मंदिर चलो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमने कहा नहीं भैया हमको वहां नहीं जाना, हमको तो राफ्टिंग करनी है, तू तो वहां ले चल। पूरे रास्ते शुरू के 3 दिन तक मैं अपने पति से बात नहीं कर सकती थी, मेरे पति मुझसे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड फेमस ड्राइवर पूरे टाइम ये बात में लगा रहता था कि अजी मैडम मैं बताता हूं, अजी सर मैं बताता हूं, और लगातार वो हमको पूरे टाइम दिमाग खाता रहा। अब फॉर्चुनेटली मैं शास्त्री हूं, तो तीसरे दिन रात को मैंने अपने पति से बोला कि मैं बहुत खुश हूं, मैं इस ट्रिप की वजह से बहुत खुश हूं। बोले कि क्यों भाई, तेरी खुशी का कारण क्या है? तो मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरे पाप का उदय तो आना ही था जीवन में कभी ना कभी, ऐसा तो है नहीं ना कि पुण्य पुण्य आता रहेगा। अब पति अच्छा मिल गया, ससुराल अच्छा मिल गया, माँ बाप अच्छे मिल गए, सब कुछ तो अच्छा मिला, अच्छा हुआ कि ऐसा पाप का उदय आना था कि कोई खड़ूस मिले तो वो ड्राइवर मिला, वो भी जो एक हफ्ते में जाने वाला है। क्योंकि पाप का उदय तो मेरा आता जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता, और यदि अनफॉर्चुनेटली मेरा हस्बैंड ऐसा होता तो सोचो कि मेरा जीवन कैसे कट पाता। इंडिया में तो रिप्लेसेबल है नहीं भाई। तो इसका मतलब अब हम में से अगर नॉर्मली कोई भी लोग होते तो हम क्या करते उन 7 दिनों में? ये कहां हमारे पल्ले पड़ दिया, हमारे लाख रुपए पानी में चले गए, कहां से ये ड्राइवर आया है, इधर कंप्लेन करो वो कंप्लेन करो। कंप्लेन तो हमने भी करी, लेकिन उसको देखने की दृष्टि की बात कर रही हूं कि यदि वो चेंज हो गया तो बहुत बढ़िया, और अगर वो चेंज नहीं किया तो और भी बढ़िया, कि मेरा 3 दिन का पाप उदय निकलता था, मेरा पूरे 7 दिन का निकलेगा। यानी कि मेरा अगर उंगली टूट जाए तो उस उंगली को टूटे हुए मैं कैसे देखूं? आती है ना वो कहानी राजा की और एक मंत्री की, नहीं सुनिए? एक मंत्री कहता था जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो राजा ने उसकी उंगली कटवा दी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती हूं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कहानी का उदाहरण भले ही वो दे रही हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जिसको नरक जाना हो, जिसके पाप का उदय आना हो, उसके लिए सब कुछ अच्छे के लिए भला कैसे हो सकता है? रावण का मन यदि सीता को अपहरण करने का हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, क्यों? जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुभम चक्रवर्ती 7वें नरक गया तो क्यों? अच्छे के लिए हुआ, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए ये मैंने कभी नहीं कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो होता है वो होना होता है, इसलिए होता है। तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो जो होगा वो अच्छा होगा, तुम्हारे पाप का उदय होगा तो जो होगा वो बुरा होगा। तो मैं क्या करूं, आप तो ये बताओ, बहुत कंफ्यूज करके रख दिया इतनी देर से। अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें हैं, दोनों का बैलेंस भी चलेगा जीवन में, ये भी समझ लिया। इसलिए जो बुरा आए उसको इस दृष्टि से देखना कि कोई बात नहीं, पाप का उदय आना था सो हो गया। कुछ अच्छा भी आए तो क्या सोचना, वाह क्या मेहनत करी थी मैंने? नहीं, मेहनत तो तूने पहले भी करी थी और मेहनत तो तूने अब भी करी थी। जो लोग आत्महत्या भी करते हैं उनको भी बहुत मेहनत लगती है,
और जो लोग का तारण हो जाता है उनके भी बहुत मेहनत लगती है। बात मेहनत की नहीं है यहां, तो बात किसकी है कि बात है कि तुम्हारे जैसा उदय आना था, दोनों का उदय आता रहेगा, और उन दोनों को देखने के काल में मुझे उनको कैसे ट्रीट करना है ये मेरे हाथ पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि जो हो रहा है वो पुण्य और पाप के उदय से हो रहा है। सेकंड पॉइंट है कि पुण्य पाप दोनों संसारी अवस्था में चलेंगे, थोड़ा कम या ज्यादा होके पर चलेंगे। तो हमें किसे मैनेज करना है? पुण्य और पाप के उदय को मैनेज नहीं करना, जिन निमित्त के कारण पुण्य पाप हो रहे हैं उनको मैनेज नहीं करना, लेकिन उनको जानते वक्त उनको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि दोनों तो आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं इस सब में, यह है मेरा तीसरा पॉइंट। जब कोई पुण्य का उदय आए, जब कोई पाप का उदय आए, और जब कोई उदय नहीं आए तब भी मैं क्या करता हूं पूरे टाइम, कि मैं मात्र पूरे टाइम बैठकर विकल्प करता हूं। कैसे विकल्प करता हूं? नहीं नहीं नहीं, इंडिया मैच जीत गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या हुआ? नहीं हुआ क्या, समझ नहीं आई बात। इंडिया मैच जीत गई तो हुआ क्या? आपके घर में 5 रुपए आ गए? नहीं नहीं नहीं, हमने तो खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आया, थिएटर में भी जाके देखा, लड्डू भी बांटे, नहीं तो हुआ क्या? आनंद आया। आनंद कहां आया? कि जो मैंने विकल्प किया था कि इंडिया जीत जाए, और इंडिया जीत गया तो मुझे लगा कि वाह मुझे आनंद आ गया। तो तुमने क्या किया इन सारे कार्यों में? तुमने बैटिंग करी थी, तुमने बॉलिंग करी थी, तुमने ऑर्गेनाइज किया था कि मैंने कुछ नहीं किया था? हम पूरे समय दुनिया में क्या करते हैं? हम सिर्फ हर पुण्य के उदय में या पाप के उदय में, या कोई उदय ना हो तो भी जिस वस्तु को जानते हैं उसको अच्छा या बुरा मानकर विकल्प करते हैं। एक और किस्सा बताऊं, अपने विकल्पों की निरर्थकता का किस्सा बता रही हूं, कि जब मैं थी ऐसे ही 18, 19, 20 साल, 21 साल की, जो भी, जब लड़के देखने का काम शुरू हो जाता है घरों में, तो हर लड़की को क्या लगता है कि मैं सोचूं कि अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, आलू खाता होगा कि नहीं खाता होगा, प्याज खाता होगा कि नहीं खाता होगा, मेरे को कुछ काम करने देगा कि नहीं करने देगा, कितने सारे विकल्प होते हैं, पूछो उन लड़कियों से जिनकी शादी नहीं हुई है, तो बहुत विकल्प होते थे कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। लेकिन शास्त्री कर रही थी ना, तो ये बात ख्याल में आई कि एक बात बता स्वानुभूति जैन तू खुद को, कि यदि मुझे अच्छा पति मिलना है तो अच्छा मिलेगा, बराबर, वो तो जब जो होना है तब होगा ना, तो यदि मुझे अच्छा पति मिलना है तो अच्छा मिल जाएगा। जो मैंने अभी इतने विकल्प किए कि कैसा मिलेगा कैसा मिलेगा कैसा मिलेगा, उन विकल्पों से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यदि लेकिन अगर मुझे बुरा मिल जाता तो मेरे विकल्प सही थे ना, जो मेरे को डर लग रहा था क्या होगा क्या होगा, अगर बुरा मिल जाता तो, कि अरे भाई अगर बुरा मिलता 2 साल बाद तो तेरा जो दुख की घड़ी 2 साल बाद जाके शुरू होने वाली थी, तूने विकल्प करके आज से ही वो मीटर चालू कर दिया। विकल्पों से तूने क्या उखाड़ लिया बताओ मुझे? अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा नहीं होएगा, डील मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे खाना भी अच्छा पकेगा या नहीं पकेगा ये किस पे निर्भर करता है? इतने मेहमान आने वाले हैं, कल मुझसे अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे जो होगा वो सामने वाले का भाग्य। क्योंकि तुमने अभी जो ये विकल्प किए, उन विकल्पों का क्या फल है इसका विचार करना, कि जो विकल्प मैंने किए उन विकल्पों का फल मुझे साक्षात इसी काल में मिलता है कि मुझे आकुलता होती है और मैं महादुखी होता हूं। बाद में जो होगा सो होगा, ये भी तो हो सकता था कि मैं 1 साल बाद मर जाती हूं, मेरी कभी शादी ही नहीं होती। क्या हुआ उन विकल्पों का? क्या किया मैंने विकल्प करके?
सारे विकल्प वेस्ट, और कल का तो जो होता सो होता, मैंने अपना आज उन विकल्पों में बर्बाद कर लिया। अब घटाओ अपने अपने जीवन पे, किस किस के विकल्प होते हैं हमको पूरे टाइम। अरे आपकी खुद की शादी के नहीं होते होंगे तो अपनी बच्ची की शादी के होते होंगे, अपनी पड़ोसी के बच्चे की शादी के होते होंगे, अपनी देश की लड़कियों की शादी के होते होंगे। हमारे पास विकल्प कम है? चार आदमी बैठे हो उनको चर्चा करते हुए देखो, ऐसा लगता है सारा देश वही चला रहे हैं। हमारे विकल्पों की सीमा ही नहीं है। बैठे 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 अभी मैं फ्लाइट में आ रही थी तो मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, तो फ्लाइट लेट हो गई, और फ्लाइट लेट हुई तो वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि 50 मिनट की दूरी है यहां से सूरत की। तो आदमी बैठे बैठे खुद से बात करता है, पहले उड़ाना तो शुरू करो। वो एक बात बोलता कि आप समुंदर में गिरोगे तो आपको ये रक्षा जैकेट पहननी पड़ेगी, बोले बद्दा खबर छे, चालू तो करो भाया। यानी कि हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उसके बोलने से क्या हुआ? पायलट जरा जल्दी से अंदर जाके चालू कर देगा फ्लाइट, होगा क्या? आप में से कोई ड्राइव करता है, खुद ड्राइव करता है? ड्राइवर वालों की बात नहीं कर रही हूं, वो भी ऐसा गड़बड़ करते हैं, लेकिन अभी मैं खुद ड्राइव करने वालों की बात करती हूं। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और सिग्नल रेड होता है और सब लोगों का ग्रीन हो जाता है, यहां जाने वालों का और वहां जाने वालों का, और आपका अंत तक ग्रीन नहीं होता है, तो हम में से कई लोग क्या करते रहते हैं पूरे टाइम बैठ के? ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, वहां पे खाली पड़ा हुआ है, सेंसर नहीं लगाते हैं, सिग्नल हरा नहीं हो रहा है, तेरे बोलने से क्या होगा? विकल्पों में लगातार दे धनाधन, और उसका फल किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझको उसी काल में मिलता है, क्योंकि मैं जो विकल्प कर रहा हूं उनसे आकुलता किसको हो रही है, उनसे दुखी कौन हो रहा है? मैं स्वयं। ऐसे विकल्प किए मैंने। हमारे 99% विकल्प एक कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम है खामखा विकल्प। क्यों खामखा विकल्प? क्योंकि ये जो ट्रैफिक वाला विकल्प है ना, इतनी गर्मी पड़ गई है, इतनी गर्मी पड़ गई है, बारिश आती ही नहीं है, तेरे बोलने से क्या उखड़ जाएगा बता? क्या है ये खामखा विकल्प? कैसे कपड़े पहन के आ जाती है ये लोग यहां पे, थोड़े ढंग के पहन लेती, ये क्या है खामखा विकल्प? और गिनाने हैं अपने को खामखा विकल्प और सोचने इसके बारे में। ये ऐसी ही बात हुई कि रोज सुबह हम सोचे कि रात कब होगी, रात होती क्यों नहीं है, रात होती क्यों नहीं है, कब होगी रात आप मुझे बताओ, कि जब उसका समय आएगा तो अपने आप रात हो जाएगी। तू विकल्प करेगा तो कोई 10 मिनट जल्दी नहीं आएगी, और तू विकल्प नहीं करेगा तो 10 मिनट लेट नहीं आएगी। जैसा रात्रि है वैसा ही वो ट्रैफिक का सिग्नल है, उसमें भी तो टाइमर फिट है। कोई सिग्नल पे टाइमर दिखता है, कोई सिग्नल पे टाइमर नहीं दिखता है। हम इस चीज की आकुलता नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल में 10 साल का हो जाए, लेकिन हम इस चीज की आकुलता करते हैं कि मेरे पास पैसा जल्दी से आ जाए, मेरे बच्चे की शादी पहले हो जाए। नहीं करते हैं ऐसे विकल्प। अपने हर विकल्प की श्रेणी को लिखना और देखना कि वो कब होगी, उसके काल आने पर होगी कि तेरे ख्वामखा विकल्प करने से होगी। देखो मैं दो कैटेगरी में डालती हूं विकल्पों को, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं आप लोगों को। आज तक किसी प्रवचनकर्ता ने आपको कभी कोई मूवी देखने के लिए नहीं बोला होगा, वो भी इंग्लिश। एक मूवी है इंग्लिश मूवी जस्ट इन टाइम, उसकी आपको थोड़ी सी थीम बताती हूँ। बहुत मार्मिक बात है, बहुत ही मार्मिक बात है। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो अपने घर जाके भी सबको सुनाना है ये बात, और याद करना इस बात को। इस मूवी में एक कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि हर कैरेक्टर जो है मूवी में, उसके हाथ पे इस जगह पे एक टाइम लगा हुआ है,
टाइम मशीन जैसी लगी हुई है और उस टाइम मशीन के ऊपर वक्त दिखता है. कौन सा वक्त दिखता है? अभी कितने बजे हैं वो वक्त नहीं दिखता है. आपके जीवन के कितने क्षण बाकी हैं वो कॉन्स्टेंटली रनिंग वॉच में, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग वॉच में नजर आता है. अगर वर्ष हैं तो वर्ष, अगर महीने हैं तो महीने, अगर दिन हैं तो दिन, अगर घंटे हैं तो घंटे, मिनट हैं तो मिनट और सेकंड है तो सेकंड. इतनी बड़ी घड़ी में पूरा नजर आता है स्पष्ट रूप से कि आपके पास कितना वक्त बाकी है और वो वक्त कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है, स्टॉप वॉच की तरह, राइट? ये मूवी की थीम है. अब गजब की बात जो मूवी में होती है वो हमारे जीवन में भी होती है, इसलिए बता रही हूं. उसमें जो होता है वो ये होता है कि आपको दुनिया में कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना है तो वक्त से ट्रेड करना पड़ता है. मतलब कि अगर चोर है उस मूवी में तो वो किसकी चोरी करते हैं? कि वो आएंगे आपके हाथ से आपका समय चुरा लेंगे तो आपके यहां पे सेकेंड्स दिख के आपके खत्म होएगा और आप मर जाओगे और आपका वक्त उसके पास आ जाएगा. हर चीज वक्त से चलती है. जो अमीर लोग हैं उनके पास सालों हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास घंटे मिनट हैं. तो गरीब लोग सारे क्राइम करते हैं वक्त के लिए, राइट? और आप किसी को डायरेक्ट नहीं मार सकते हो, आप सिर्फ वक्त की चोरी कर सकते हो. अब इसमें यदि आपको पार्किंग करनी होती है मूवी में तो आप पता है क्या करते हो? पैसे नहीं देने आपको, आपको अपने 10 मिनट कम करके देने हैं उसमें से. दैट इज द फीस ऑफ पार्किंग योर कार. आप समझ रहे हैं? यदि आपको शादी करनी है तो आपको क्या करना है? बहुत बड़ा वक्त देना है. यदि आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपको क्या करना है? वक्त देना है. किसका वक्त देना है? अपने जीवन का वक्त देना है, अपनी आयु का वक्त देना है. अब मुझे एक बात बताना कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति के पास यदि ऐसी टाइम मशीन होती और आप आम वाले से भाव कर रहे होते या आम खरीदने जाते तो मुझे ये बताओ कि आप भाव करते? क्यों? अरे 1000 रुपए दर्जन दे रहा है, सारी दुनिया में 400 रुपए दर्जन बिक रहा है अब तो. क्या करोगे कि भाई साहब बात 400 रुपए प्लस 10 मिनट की चल रही है? नहीं, हम वक्त से ट्रेड करते हैं अपने सारे कार्य की, नहीं करते हैं मुझे ये बताना. हमारे पास टाइम मशीन में टाइम दिख नहीं रहा है, जैसे वो सिग्नल में टाइम कुछ में नहीं दिखता है, लेकिन वो वक्त वाकई में वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. एक साड़ी खरीदने की कीमत पता है क्या है? जीवन का एक दिन. कौन कौन देने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करो. सोचना, एक एक चीज पर सोचना. पानी पूरी खाने का मन है तो क्या देना पड़ेगा? वक्त देना पड़ेगा. हमारी तकलीफ ये है कि हम जो वक्त देते हैं उसमें हिसाब नहीं लगाते. पैसों में तो हिसाब लगाते हैं, रिश्तों में हिसाब लगाते हैं, लेकिन वक्त पे इलाज नहीं लगाते. यदि मेरी वो BMW गाड़ी को साइड में आने वाले बाइक वाले ने स्क्रैच कर दिया है तो अब मेरे को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? गाड़ी से उतर के लड़ना चाहिए उससे? कि अगर लड़ूंगा तो क्या होगा? कि जो स्क्रैच हो गया है वो तो मिटेगा नहीं, लेकिन साथ में मैं जो अपना वक्त बर्बाद कर दूंगा उससे मुझे क्या मिलने वाला है? बाइक वाला पैसे देगा आपको, वो भी मर्सिडीज सुधारने के, तो क्या होगा? अरे पर उतर के बोल के तो जाऊं कि तूने ऐसे फालतू में क्यों स्क्रैच मारा. अरे पर होगा क्या? अभी अगर तू उससे लड़ रहा है तो तू ख्वामखा लड़ रहा है. ऐसे में ख्वामखा विकल्प करके अपना कितना वक्त जाया कर देता हूं मनुष्य भव का, इसकी हमें कभी कल्पना होती ही नहीं है. हर चीज की कीमत है और सबसे बड़ी कीमत वक्त है. एक है वक्त और एक है विकल्प. तो आप बोलोगे बात तो सही कर रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं है. क्यों? तो क्या करें आगे से? आप क्या कहना चाह रहे हो? साड़ी खरीदना छोड़ दे? नहीं, करें क्या? रिश्तों में समय नहीं डाले? मतलब कुछ तो करेगा ना आदमी. वक्त तो अपने टाइम से जा रहा है तो मैं उसमें कुछ तो करूंगा और मैं डिसाइड कर लेता हूं कि अब मुझे क्या करना है.
तो मुझे कुछ तो बताओ कि अब मैं उस वक्त में क्या करूंगा ऐसा कि सबसे पहले तो ये निर्धारण करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं वापस, मार्क दीज वर्ड्स, कि हर चीज की एक कीमत होती है, नहीं होती है कीमत? कीमत समझ रहे हो ना आप? आप एक अगर वही आम खरीदने गए तो आप उसके लिए कितना दे सकते हो, कि 400 का 500 दे सकते हो, 600 दे सकते हो, 800 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, लाख रुपए तो नहीं दोगे ना। यानी कि हर चीज की एक रेंज होती है। ऐसे भी मैं अपने जीवन में जितने विकल्प करूं, जितना पुरुषार्थ करूं, उसकी भी एक हमको रेंज निर्धारित कर लेनी चाहिए कि इसकी क्या कीमत है। है अब प्रैक्टिकल? मैंने ये नहीं कहा कि कुछ मत करना। साड़ी खरीदने जाओ तो जाओ, बिजनेस करो तो करो, जॉब करो तो करो, सारे संसार के काम होंगे, लेकिन उनके एवज में उनकी जितनी हैसियत है पहले ये तो निर्धारित करो। एक साड़ी के लिए मैं 4 दिन दे सकती हूं कि 4 घंटे दे सकती हूं, ये तो निर्धारित करो। सारा मॉल छानना, हर मार्केट छानना जरूरी है कि इस मार्केट में नहीं पसंद आई और उस मार्केट में पसंद नहीं आई तो अब वहां से करूं, कि मैं 4 घंटे में जो बेस्ट लगेगी वो खरीद के खत्म करूंगी। ऐसा कर सकते हैं हम? हर चीज का एक टाइम निर्धारित कर सकते हैं हम? आप ऐसा कर सकते हो कि गप्पे मारने बैठो, क्यों? क्योंकि थोड़ा तो फ्रेश होना जरूरी है ना। 4 घंटे से स्वाध्याय कर रहे हैं, सुबह से मंदिर भी जाए हैं, पूजन भी हो गई, अब कुछ तो करूंगा एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी देखूंगा, गप्पे करूंगा, देख लेना टीवी, लेकिन समय तो निर्धारित कर कि इसकी हैसियत कितनी है, कि मैं इसको कितना वक्त दे सकता हूं, कि इसकी कीमत कितनी है। हम वो कीमत निर्धारित नहीं कर पाते। साड़ियों के एग्जाम्पल में सारे पुरुष हां बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्त्रियां सोच रही हैं हां थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत लगाना, अपने बिजनेस पे लगाना, अपने समाज के कार्य पे लगाना, जिस जिस बिल्डिंग के तुम सेक्रेटरी हो उस बिल्डिंग के कार्य पे लगाना, जिस जिस संस्था में काम करते हो कि मैं करूंगा, मैं विकल्प करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, क्यों? क्योंकि समाज का भला हो, देश का भला हो, लेकिन कितना? कि 24 घंटे में से जो मुझे 8 घंटे क्रीम मिलते हैं उसमें से 1 घंटा समाज सेवा करना के 2 घंटा समाज सेवा करना, तो अगर उसकी जगह 16 घंटा समाज सेवा कर रहा है तो तू किसी और की हानि नहीं कर रहा है लेकिन अपनी स्वयं की हानि कर रहा है। अपनी पीठ को तोड़कर यदि तुम रेस जीत जाते हो तो ऐसी रेस की जीत का क्या फायदा हुआ? विचार करना इसके ऊपर। मेरे विकल्पों की, मेरे समय की, हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। ख्वामखा विकल्प तो बिल्कुल करने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ख्वामखा विकल्प करने से आज तक कभी किसी का भला हुआ ही नहीं। ख्वामखा विकल्प की कैटेगरी तो ख्याल आ रही है ना, जहां ना मैं खुद के लिए कुछ करता हूं, जहां ना मैं पर के लिए कुछ करता हूं, बस बैठे बैठे घूमता रहता हूं, बड़बड़ाता रहता हूं, अपने आप से चर्चा करता रहता हूं, और 4 जन मिल जाते हैं तो उनसे चर्चा करता रहता हूं। एक बात बताऊं, जो हम लोगों की बुराइयां करते हैं ना, समझ गए ना मतलब, कैसे चुगली वाली नहीं, आपस में भी बैठ के 2 जन मिल जाएं तो देखो इनको कैसे हो गए आजकल, कोई भी बात पर, कैसे भी बात पर, वो किस श्रेणी में आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या फायदा हो रहा है उससे? जो हम बुराइयां कर रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है? ये भी तो ख्वामखा विकल्प है। तो ख्वामखा विकल्प 99% मेरे जीवन में जो आक्रांत किए रहते हैं मुझको और निरंतर मुझे आकुलता प्रदान करते हैं, ये ख्वामखा विकल्प की श्रेणी को तो पहले ही हमें अपने आप पहचान कर काट देना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे बात होगी कि कुछ क्षेत्र हैं जहां पे मेरे पुरुषार्थ करने से वो पुरुषार्थ निमित्त बनता है कार्य होने में। अपनी भूमिका के अनुसार ये बात मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि संसारी जीव है, ग्रस्त अवस्था में है, तो सर्टेन थिंग्स हैं जो हमें करनी होती हैं, चाहे वो देश की हो, समाज की हो, या अपने घर की हो। उन चीजों में भी हमको ये डिफाइन कर लेना कि मुझे कितने एफर्ट्स और कितना विकल्प उसमें डालना है,
और उसके बियॉन्ड चला जाए तो क्या करना, कि जो होना है सो निश्चित है, कि रात तो जब आएगी तभी आएगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ड्राइव करते वक्त जरूरी नहीं है ना कि मैं हर वक्त ये हिसाब लगाता रहूं, ये लेन फास्ट जा रही है तो मैं इस लेन में आ जाता हूं, इस लेन में आया तो वो फास्ट जाने लग गई तो अब उस लेन में आ जाता हूं, अब वो फास्ट जा रही है वहां हो जाता हूं। पूरे रास्ते लेन बदलता रहता है, पूरे रास्ते लेन बदलता रहता है, लास्ट में कितने मिनट पहले पहुंचता है आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन तूने पूरे रास्ते जो विकल्प किए, वो विकल्पों के कारण तू कितना दुखी हुआ। ऐसे जो कार्य मुझे करने हैं उसमें तुम निर्धारित करो कितना विकल्प करना है, यानी कि लेन डिसिप्लिन तो रखना। अगर राइट लेना है तो राइट लेन में आ जाना, लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट लेन में जाना, लेकिन पूरे रास्ते लेन ही लेन मत सोचते रहना। जब तक कार्य नहीं हो निरंतर अपने आप को उसके लिए आप पनिश मत करना, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो हम स्वयं अपनी नजरों में बेवकूफ कहलाएंगे, हम स्वयं अपने टाइम को खाने वाले कहलाएंगे। तो अब मेरी सीमा कहां है? मेरी सीमा है सिर्फ विकल्प करने तक, यानी कि जो राग करता हूं और जो द्वेष करता हूं वो वास्तव में मैं खुद करता हूं। कैसे? कि यदि मेरी मां मुझे इस बात के लिए डांटती है कि तू खाना ढंग से नहीं खाती है, तो हो क्या रहा है क्रिया में, कि मां डांट रही है, चिल्ला रही है, नाराज हो रही है, चेहरा विकृत हो गया है। लेकिन उसी पल में मैं उसको किस दृष्टि से देखती हूं, कि मां का प्यार है जो मुझसे पूछ रही है कि खाना खाया क्यों नहीं टाइम से। सास तो वो पूछती भी नहीं शायद, नहीं नहीं मैं अपनी सास की बात नहीं कर रही हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो तो पूछती भी नहीं, तो मुझे तो प्यार आता है मां पे, यानी कि उनके क्रोध पे मुझे राग आया, तो मेरा राग किस पे आधारित था, उनने जो किया उस पे आधारित था या मुझे जो करना था उस पे आधारित था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यदि बारिश आई तो मैं खुश हूं कि मैं दुखी हूं? पुण्य का उदय होगा तो मेरे अनुकूल बारिश आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूं कि क्रिया तो वो ही हुई, अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। मैं ये बता रही हूं कि क्रिया तो वो ही होगी जो देखने में अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे, लेकिन ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उसमें राग करता हूं कि मैं उसमें द्वेष करता हूं। कि कोई व्यक्ति मेरी पड़ोसन आए और मुझे बहुत मीठा मीठा बोले और चार लड्डू देके जाए, तो भी हो सकता है मैं उसे द्वेष करूं कि बहुत चिपड़ चिपड़ कर रही है, जरूर कोई बात होगी। यानी कि तुमने जो किया, जो वो लड्डू दे रही है वो तो पुण्य के उदय से दे रही है ना, कि पाप के उदय से दे रही है, लेकिन मैंने उसमें द्वेष बुद्धि करी। वो जो डांट रही है वो सच्ची में डांट रही है, नाटक नहीं कर रही है डांट का, वो तो पाप का उदय था कि डांटा, लेकिन मैंने उसमें राग किया। सीधे सीधे तो सब करते हैं, एग्जाम्पल मुझे उल्टा वाला देना है। मुझे ये बताना है कि किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में मैं राग करूं या द्वेष करूं, ये परिस्थिति पे आधारित नहीं है, ये मुझ पे आधारित है, ये वस्तु की स्वतंत्रता का उद्घोष है। वो ड्राइवर यदि मुझे खराब मिला था तो वो ड्राइवर तो मुझे डेफिनेटली पाप के उदय से मिला था, लेकिन यदि उस ड्राइवर के होने में मैं खुश हो ली तो वो खुश होना ड्राइवर पे आधारित था कि मेरे स्वयं पे आधारित था। यानी कि मैं राग करूं या मैं द्वेष करूं, ये सामने वाले पे आधारित नहीं है, ये सामने वाला कंट्रोल नहीं कर सकता है और उसके लिए मैं सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं हूं। पुण्य और पाप के उदय को जाने दो ना भाड़ में, आप ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अरे इसलिए कर रही हूं कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई उदय आ जाए, तुम डिसाइड करोगे कि तुम उसको किस दृष्टि से देखते हो, क्योंकि तुम जो भोगते हो वो अपने राग और द्वेष को भोगते हो, तुम उस पर पदार्थ को नहीं भोगते हो। वह जो बारिश आई थी वो बारिश से मुझे मजा नहीं आया, मेरे मन में जो ये विकल्प था
कि बारिश आने से मेरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा, उस विकल्प के बाद भी हो सकता है कि मेरे बिजनेस का लॉस किसी और कारण से हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे उस विकल्प के कारण लगेगा कि अच्छा हुआ बारिश आ गई। कैसे? शेयर मार्केट आपको क्या लगता है, बारिश लेट आएगी तो ऊपर जाएगा या जल्दी आएगी तो ऊपर जाएगा? हाँ, जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो बोलते हैं बारिश टाइम पे आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अरे पर ब्रेक्सिट हो जाए तो हो सकता है ना कि बारिश आ जाए और क्योंकि यूके निकल गया है इसलिए वापस मार्केट नीचे हो जाए। यानी कि मेरे सुख दुख का जो लेना देना है जिन जिन घटनाओं से है वो उन घटनाओं के कारण नहीं था, उन घटनाओं में मेरी मान्यता के कारण था। क्योंकि जैसा मैं उनको मानता हूं वैसा मैं उनको देखता हूं, वैसा मैं उनसे सुखी या दुखी होता हूं। यानी कि मुझे दुखी करने में जगत का कोई भी पावर सक्षम नहीं है। ऐसा कोई है दुनिया में जिसके साथ ऐसा होता हो कि दुनिया की कोई शक्ति उसको दुखी नहीं कर पाती हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो? ऐसा कोई है जिसका आप उदाहरण दे सकते हो इस संसार में कि जिसे कोई कभी भी अच्छा या बुरा राग द्वेष का निमित्त नहीं बन पाता हो? कौन है ऐसा बताओ मुझे, कौन है ऐसा कि जिसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता? इस संसार में रहते हुए की बात कर रही हूं, अरहंत और सिद्ध भगवान की बात मत करना यहां पे आप। हमारे साधु, हमारे मुनि, चाहे उपसर्ग आए और चाहे चक्रवर्ती भी उनके कदमों पे लोटे, लेकिन उनको ना चक्रवर्ती से राग होता है और ना उपसर्ग करने वाले से द्वेष। वो जो उपसर्ग आया था वो पाप के ही उदय से आया था, वो जो चक्रवर्ती लौटा था वो पुण्य के उदय से ही लौटा था, लेकिन उस चक्रवर्ती में और उस उपसर्ग करने वाले में उनने अच्छा या बुरा नहीं माना, क्योंकि उनका अच्छा बुरा करने में या मानने में चक्रवर्ती और उपसर्ग करने वाले का कोई हाथ नहीं था। जैसे उनके में हाथ नहीं था ना, वैसे हमारे में भी पुण्य पाप के उदय का हाथ नहीं होता है, लेकिन हम कमजोर लोग हैं, हम मान जाते हैं, हम उसमें अच्छा बुरा मान लेते हैं, इसलिए हम राग द्वेष खुद अपने स्वतंत्र होकर करते हैं और हम नक्की करते हैं कि हमारा संसार ऐसे ही चलता रहे। इसलिए हमारी ये पुण्य और पाप की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। उन मुनियों ने क्या किया कि उनने बोला कि तुम अच्छा करो या बुरा, मुझे तो इसमें राग द्वेष करना ही नहीं है, तो उनकी पुण्य पाप की श्रृंखला ही खत्म हो गई। अब उनके ना पुण्य पाप का उदय आता है और ना उसमें राग द्वेष होने की कोई भविष्य में भी गुंजाइश रहती है, क्योंकि वो अरहंत बन जाते हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वस्तु स्वातंत्र्य अर्थात कि दुनिया में कोई मेरा भला नहीं कर सकता, दुनिया में कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। जो मेरे साथ अच्छा बुरा होता प्रतीत होता है वो तो है मेरे पुण्य पाप का उदय, और उनका उदय भी ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि मैं उसमें खुश हूं कि दुखी हूं, क्योंकि उसमें जो राग या द्वेष करता है वो है मेरा स्वयं की चॉइस, आई चूज टू बिकम मिजरस, I choose to be happy, I choose to be peaceful. ये मेरी choice है, मैंने चुना है। मेरा जो जीवन है उसे मैं चुनता हूं, मैं जीवन में जो करता हूं उसे मैं चुनता हूं, और मेरे साथ जो होता है वो भी मैं चुनता हूं। लेकिन अगर बहुत पाप का उदय आ गया तो, अगर ये आयु ही चली गई तो, अगर हमारे साथ किसी ने हाथ पैर तोड़ दिए तो, अब ये क्या है? ख्वामखा विकल्प। नहीं, अगर मेरा मोक्ष लेट होने वाला होगा तो, अगर मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, तू पुरुषार्थ कर। ये तो को भविष्य के गर्त में जाने दे। जब शाम होगी तो सूरज ढल जाएगा, जब तेरा वक्त आएगा तो अपने आप ये सारे कार्य हो जाएंगे। मेरा कार्य है कि उसको मैं किस तरीके से ट्रीट करता हूं, उसमें मैं राग करता हूं या उसमें मैं द्वेष करता हूं। अब है मेरा फाइनल लेग,
जो सबसे सूक्ष्म और सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि ये जो राग और द्वेष भी होते हैं ना, अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं राग द्वेष करता हूँ, मैंने क्या कहा कि ये राग और द्वेष भी जब होते हैं तो वास्तव में आत्मा यानी कि मैं स्वयं इसमें क्या करता हूं, कुछ तो करता है आत्मा। जड़ नहीं है आत्मा, टेबल नहीं है आत्मा, माइक नहीं है आत्मा, आत्मा कुछ तो करता है जब इसके राग द्वेष होते हैं। क्या करता है कि मैं जानता हूं। ये लड़के ने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, सारे सही जवाब कि जब भी कोई भी राग द्वेष मुझ में उत्पन्न होते हैं तो मैं जीव द्रव्य, मैं शुद्धात्मा वास्तव में तो एकमात्र उस राग को और उस द्वेष को भी सिर्फ जानता हूं। एक्चुअल परिस्थिति तो ये है, लेकिन मैं मानता क्या हूं, अब ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात, कि मैं ये मानता हूं कि राग मैंने किया, द्वेष मैंने किया, तो गड़बड़ वहीं हो जाती है। क्योंकि जिसको तू करता है उसको तू भोगे बिना नहीं रह सकता। तू राग करेगा तो राग के फल को भी प्राप्त होगा, क्योंकि आकुलता होगी और वो आकुलता को उस काल में तुम भोगोगे। भविष्य को तो जाने दो, पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, कि जो होएगा वो होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा बड़ा पुण्य पाप का गठरा बंध जाए, मुनियों को निर्जरा होती है तो एक साथ सारा नाश हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, निधत्ती निकाचित ऐसे भी लोग मिलते हैं। अरे मुनियों को तो निधत्ती निकाचित भी कहां कुछ ऐप कर पाए आज तक, उसकी टेक्निकलिटीज में मत जा। तेरा स्वरूप है जानना, तेरा कार्य है जानना, तो राग हो कि द्वेष हो उसको भी होने दे, क्योंकि भूमिका के अनुसार राग द्वेष होएंगे, लेकिन उसको बढ़ा मत अपने विकल्प से। इसका मतलब समझाऊं, बढ़ाने का मतलब, कितने मेरे पास 2 मिनट और हैं कि खत्म कर देना है? नहीं, जैसे बोलो वैसे करेंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास एक चॉइस है, क्या चॉइस है, और ये जो चॉइस है वो ही सम्यक दर्शन है, कि जब मेरे अपने बच्चे के प्रति राग होता है तो मुझे यहां पे एक व्यक्ति जो ऐसा मानता हो कि वो राग गलत है वो हाथ ऊपर करे कि बच्चे के प्रति आपको राग क्यों हुआ। नहीं नहीं, बच्चे के प्रति तो राग होना ही चाहिए। अच्छा, पति से राग है तो पति तक तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पुरुष नहीं होना चाहिए था भाई। यानी कि मंदिर से होए तो, भगवान से होए तो, मतलब कि कई राग जब हमें होते हैं तो हम अपने विकल्पों से ऐसा मानते हैं कि ये राग तो अच्छे हैं और इनको तो करना चाहिए, और क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये राग अच्छे हैं और इन्हें हमें करना चाहिए, तो हमारी इस मान्यता से उसको और बूस्ट मिलता है और वो राग और बढ़ता है और परवान चढ़ता है, और राग जितना बढ़ेगा उतनी आकुलता करेगा। डायरेक्ट कोरिलेशन है, जैसे जैसे राग बढ़ेगा उतना उतना आकुलता बढ़ेगी, जैसे जैसे राग घटेगा उतनी उतनी आकुलता घटेगी। तो यदि मेरी मान्यता से उस राग का या द्वेष का पोषण होता है तो वो राग और द्वेष जो इस संसारी जीव को होते हैं वो महाआकुलता का कारण होते हैं, मिथ्यात्व के कारण होते हैं, और वो उन सबको भोगता है। जिस पल हम उस राग द्वेष को जो मेरे में अनायास ही हो जाते हैं उनको भी हेय दृष्टि से देखने लग जाएं कि ये राग द्वेष हुए तो हैं लेकिन ये खोटे हैं, ये बुरे हैं, ये ही मेरे आकुलता का कारण है, इससे मतलब नहीं है कि इससे पुण्य बंधेगा या पाप, मतलब इससे है कि ये स्वयं मुझे अभी दुखी कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम ये राग द्वेष स्वयं है, दे आर द बॉस, वो किसी और के टटपुंजे कठपुतली नहीं है, वो स्वयं मेरे दुख के कारण है। जिस पल मेरी मान्यता में ऐसे हर राग के प्रति हे बुद्धि हो जाएगी उस पल हम कहेंगे कि राग तू करता नहीं है, राग को तू भोगता नहीं है, राग तुझ में हो रहे हैं और तू राग को मात्र जानता है।